हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। सो यार, अनदर डे इन स्विट्जरलैंड एंड हम लोग फिर से आए हैं यहाँ पे हाइकिंग करने टू अ प्लेस नेम एज शिनिक प्लैट। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट हाँ कुछ ऐसे ही है। सो या लेट्स डू इट। यार हम लोगों ने जहाँ से हाइक अपनी स्टार्ट की है, तो यहाँ से हाइकिंग के दो चार रूट्स हैं। तो द वन विच वी आर टेकिंग, ये एक जगह है यहाँ पे फर्स्ट, वो उधर जा रहे हैं, उधर की ओर जा रहे हैं। और टोटल डिस्टेंस इज़ रफली अराउंड 18 किलोमीटर्स और एलिवेशन इज़ अगेन 800 से 900 मीटर है कुछ तो। बट रास्ते में बहुत ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साइट्स है, तो स्टे ट्यून्ड एंड you will come to know about the places which I am talking abhi. It will all make sense in the end. Jao, jao. अपन उधर ही जाएंगे, जहाँ सुशील चल रहा वहाँ चलेंगे। बहुत दिनों बाद आया लड़का ये मेरे साथ। Back to business. Business. Back to trip. ये अपनी पहली हुआ है ना? अपन दोनों की पहली हाइक। बताओ तुम, मैं भावना के साथ ज़्यादा हाइक कर चुका हूँ कंपेयर्ड टू यू। हाइक करने तक तीन ही किए ना। हाँ तो फिर भी तीन में से दो कर चुका मैं इनके साथ। अब एक तो मैं इंडिया में ही था। वो तुम्हारी गलती। मेरी गलती। और तुम शादी करने गए थे तो हम क्या करें? और क्या, लड्डू नहीं खिलाया ना इसने किसी को? तुम्हें क्या लग रहा है, गलत जा रहे हैं? अबे तुम दोनों एक बार म्यूचुअल डिसीजन ले लो। पता नहीं, वो दो आगे जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। क्या ये पराठा पॉइंट है क्या हम लोग का? अबे यार झंडा लेके आना चाहिए था यार मेरे को। नेक्स्ट हाइक में लेके आऊंगा, है मेरे पास, लेके आऊंगा अगली हाइक में। फाइव लेक में? हाँ बिल्कुल। तो गाइस, मतलब अभी सबसे पहली चीज जो यहाँ से दिखती है ऊपर से, अगर आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे, लेक प्रिंस दिख रहा है। दी अदर साइड आई थिंक अभी नहीं दिख पाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा व्यू दिखता है यार ऊपर से कि एक साइड थून सी है, बीच पे इंटरलाकन एंड उसके बगल में लेक प्रिंस। यहाँ पे कुछ तो इवेंट चल रहा है अभी फिलहाल, यहाँ पे माउंटेन रनिंग कर रहे हैं लोग। सो चलो चलो चलो, आ जाओ लड़के आ जाओ। फाइनली कहाँ पे, अभी 4 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। जबरदस्ती टाइम हो गया। आ जाओ आ जाओ। मेरा फालतू की थकावट हो रही है। चलो भावना आ जाओ आ जाओ। चरस कर दी जिंदगी। किस किस को रास्ता दे? डांखा डांखा डांखा। ये पास है पहला। ये क्या है? उधर से जाना है पक्का। वहां से इनकी रेस स्टार्ट लग रही है। नहीं नहीं, वो जो पॉइंट है अभी, ये तो लग रहा है फर्स्ट ओवर से दौड़ के आ रहे हैं। से आ रहे दौड़ के 51 किलोमीटर का पूरा। 51 एक 51 और 101 बता तो रहा था। कौन बता? 101 किलोमीटर भाग रहा है।
पागल वागल इंसान के लोग सारे साइकिल चलाने पड़े आती इतनी क्या बात कर रहे हो। अच्छा पूरा सर्कल कह रहे हो क्या तुम? छाले इतने घर के सामने नहीं दिखते इतने लोग इतने यहाँ पहाड़ में दिख रहे हैं आज के दिन स्पेशली है कि यहाँ पे पता नहीं कुछ तो एक माउंटेन रनिंग चल रही है विच इज ऑफ 50 and 100 kilometers। तो बहुत ज्यादा लोग हैं अभी इस पाथ में एंड वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। सो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत है यार आज। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट एन अपडेट इन बिटवीन। हम लोग का यार 5-6 kilometers कुछ हो चुका है एंड वी टुक अ शॉर्ट ब्रेक इन बिटवीन और थोड़ा खाया पिया एंड देन फिर निकल गए आगे। नेक्स्ट स्टॉप जो आ रहा है यार एक सी है, मतलब लेक है एंड दिस इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल अभी यहाँ से। सो लेट्स सी इफ दिस ट्रैक गोज उस तरफ पे, तो आई विल टेक अ कपल ऑफ शॉट्स वहाँ पे फिर, जो कि आप भी देख सकते हो फिर। सो या स्टे ट्यून्ड इन अ हाइक। अपडेट फ्रॉम द हाइक, अभी हम लोग कर चुके हैं 10 kilometers और बहुत ज़्यादा एलिवेशन है यार इस रास्ते में। फाइनल एलिवेशन तो हाइक के बाद ही पता चलेगा कि कितना था, बट सांस फूल रही है सबकी। उधर ही जाना है, फोकस मत छोड़ना। किलोमीटर एलिवेशन एलिवेशन पता नहीं यार इसका, इसमें वो करना ना। हाँ मैं आपसे डायरेक्शन आएगा 140 meters अप और 537 डाउन। एलिवेशन 140 meters बचा है तो मतलब यही चौड़ भाई से यही पहाड़ है। भावना आप उसके राहुल के बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या? तब तक नो कमेंट्स। स्क्रीन भी देख रहे हो, दिस इज बकलसी यार। इधर इतनी फ्रेशनेस है ना हवा में एंड शाम के बज गए 5:30। हम लोग का जो गंडोला था लास्ट आई थिंक वो 5:30 बजे जाता है, वो मिस कर दिया आखिर। मोस्ट प्रॉब्ली कर ही रहे हैं हम लोग की हाइक, कल आज लेंथ बढ़ जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है, बट यार ये बहुत सीरीन, बहुत काम है, बहुत सुंदर सा लेक है यार। आसपास भी बहुत ही ज़्यादा द ग्रीनरी है अभी तो पूरा। सो गाइस यार हम लोग का जो ट्रेल था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है जहाँ पे हम लोग एंड करना था विच वाज फर्स्ट। और राहुल ने अभी जस्ट कॉल के बताया कि जल्दी आ जाओ यहाँ पे गंडोला चल रही है। आई थिंक वो शायद लास्ट वास्ट गंडोला होगी तो बोलता है
आज जल्दी सो वी आर रशिंग टुवर्ड्स दिस फाइनल पॉइंट आई फिंगर्स क्रॉस्ड यार कि मिल जाए गंडोला यार अदरवाइज फट जाएगी अभी और आगे कर लिया यार आज ये बहुत भयंकर हाइक करी आज ये ऑलराइट गाइस दिस इज इट हम लोग पहुंच गए अपने स्टॉप पे विच इज फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे गंडोला मिल गई सो अब शांति से नीचे जाएंगे वील हैव डिनर समवेयर फिर खत्म एंड ऑफ डे एंड ऑफ व्लॉग बाय राहुल बाय हेलो एंड बाय बाय रुकना इधर दिखा ना मुझे नहीं दिखा रहा तू लड़की आ गई भाई बदल गया है ना ए का